नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी दिल की बात कही। एक लंबा चौड़ा पोस्ट उनकी तरफ से किया गया, जिसमें 17 वर्षों में एनडीए सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं इसका लेखा जोखा तेजस्वी यादव ने अपनी इस पोस्ट में लिखा है। लेकिन बता दें आपको कि इस पोस्ट के सामने आने के बाद अब सत्ता पक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव पर पलटवार किया जा रहा है और साथ ही खुला चैलेंज भी दिया गया है। आपको बताएं कि जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बयान जारी करते हुए तेजस्वी यादव को यह चैलेंज दिया है कि समय और दिन आप तय कीजिए और उस दिन आप सीधे 1-to-1 कीजिए, सीधे बहस कीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि इन 17 वर्षों में एनडीए सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का और किस तरह से ये चैलेंज उन्होंने इस वक्त तेजस्वी यादव को दिया है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने दिल की बात की शुरुआत की और 17 वर्षों के माननीय नीतीश कुमार जी के शासन काल में विकास कार्यों पर नकारात्मक बहस की शुरुआत की। आइए, आपकी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। जनता दलियों ने 17 वर्षों के अंदर में जो बिहार के विकास की पटकथा लिखी है, सामाजिक सौहार्द और सद्भाव की बुनियाद पर न्याय के साथ विकास, तो हम तैयार हैं। बौद्धिक बहस को स्थान और जगह तय करिए। लालूवाद को आप विचारधारा मानते हैं तो आपको जो काम करने का मौका मिला इस विचारधारा के तहत, योजना आयोग के मानव विकास सूचकांक के रिपोर्ट और माननीय नीतीश कुमार जी के तयशुदा समय के समय योजना आयोग, बाद में नीति आयोग के विभिन्न संकेतांकों पर बौद्धिक बहस के लिए आप ही के दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगतानंद सिंह जी के सुपुत्र अजीत कुमार सिंह जी को हम अपनी पार्टी की ओर से अधिकृत करते हैं। जहां मर्जी करे, स्थान समय तय करना आपके अधिकार में है। एक बार विकास पर बहस करिए, तब वैकल्पिक राजनीति के एजेंडे पर जनता भी बहस करेगी। चलिए तेजस्वी यादव जी, दिल की बात नहीं, जन जन की बात करिए और आइए इस बहस के लिए तैयार होइए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का। उनका साफ तौर से कहना है कि 17 वर्षों में विकास के तमाम कार्य सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किए गए हैं। आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक पार्टी है। आपके पार्टी के लोग खुद आपको छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं, हमारे जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ उदाहरण देते हुए जगदानंद सिंह के बेटे का भी नाम लिया गया और ये बताया गया है नीरज कुमार की तरफ से कि इन 17 वर्षों में जो काम सीएम नीतीश कुमार ने किए हैं उससे बिहार की जनता काफी प्रभावित हुई है। ऐसे में मन की बात नहीं बल्कि जन की बात करने की जो राय है वो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की तरफ से दी गई है और उसी को लेकर खुला चैलेंज दिया गया है जेडीयू की तरफ से। अब देखने वाली बात होती है कि क्या आरजेडी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, क्या तेजस्वी यादव इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आगे जाकर क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। लेकिन यह बड़ा बयान जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का, जिसमें उन्होंने 1-to-1 करने की बात कही है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।